दुनिया के इस कोने में नहीं काम करता कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आइए जानते हैं, दुनिया भर में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके बारे में जानकर लोग चौंक जाते हैं। ऐसी ही एक जगह का नाम जोन ऑन ऑफ साइलेंस है। दरअसल मेक्सिको के चिहुआहुआ रेगिस्तान को ही जोन ऑन ऑफ साइलेंस कहा जाता है। ये जगह लोगों की पहुंच से दूर है, जबकि इससे महज 25 मील की दूरी पर ही आबादी बसी हुई है। जोन ऑन साइलेंस में ना तो कोई होटल है और ना ही कोई इस तपते हुए रेगिस्तान में आता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आने वाले लोगों का संपर्क बाकी दुनिया से पूरी तरह से कट जाता है। चिहुआहुआ रेगिस्तान करीब करीब बंजर इलाका है। ये जगह पूरी दुनिया में अपनी अजीबो गरीब खूबी को लेकर काफी चर्चित है। दरअसल इस जगह पर पहुंचते ही सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि जोन ऑन ऑफ साइलेंस में रेडियो फ्रीक्वेंसी बेकार क्यों और कैसे हो जाती है। यही वो खूबी है जिसकी वजह से इस रेगिस्तान को जोन ऑन ऑफ साइलेंस कहा जाता है। जोन ऑन ऑफ साइलेंस के बारे में सबसे पहली बार साल 1970 में शोध शुरू हुआ। दरअसल तब एक अमेरिकी मिसाइल यहाँ पहुँचते ही रहस्यमयी तरीके से अपने आप ही क्रैश हो गई थी। इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए अमेरिकी वायुसेना के विशेषज्ञों का एक दल चिहुआहुआ रेगिस्तान पहुंचा। जब टीम जोन ऑन ऑफ साइलेंस पहुंची तो उनका जीपीएस तेजी से गोल चक्कर लगाने लगा। टीम ने जब जांच जारी रखी तो उन्हें पता चला कि इस इलाके में जीपीएस ही नहीं सभी तक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं कर रहे हैं। चिहुआहुआ एक तरह का डार्क जोन है। इस क्षेत्र में टीवी सिग्नल, रेडियो सिग्नल, शॉर्ट वेव और सैटेलाइट सिग्नल तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब अमेरिकी एक्सपर्ट्स की टीम इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत इस जगह को जोन ऑन साइलेंस नाम दे दिया। इसके बाद से जोन ऑन ऑफ साइलेंस में दर्जनों शोध व अध्ययन किए जा चुके हैं। बावजूद इसके अब तक नहीं चला पाया है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के काम करना बंद कर देने का कारण क्या है। मैक्सिको की सरकार ने अमेरिकी टीम की पड़ताल के तुरंत बाद चिहुआहुआ रेगिस्तान में एक विशाल लैब बनाई थी जिसे जोन नाम दिया गया। मैक्सिको की सरकार ने बताया कि चिहुआहुआ रेगिस्तान के रहस्यों को जानने के लिए ये लैब स्थापित की गई है। साथ ही कहा कि इस अजीबोगरीब जगह की वनस्पति और कीड़े मकोड़ों पर भी शोध किए जाएंगे। लैब की स्थापना के बाद से अक्सर अटकलें लगाई जाती रही हैं कि सरकार ने यहाँ पर किसी तरह का सिग्नल नहीं होने का फायदा उठाया है। कहा जाता है कि सरकार लैब में कोई गोपनीय शोध भी करा रही है। कुछ शोध के मुताबिक जोन ऑन ऑफ साइलेंस में मैग्नेटिक गुण है, इसी वजह से यहाँ पहुंचते ही सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अब तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि चिहुआहुआ रेगिस्तान में मैग्नेटिक गुण क्यों है। हालांकि वैज्ञानिक ये पता लगाने में सफल रहे हैं कि इसी जगह पर लाखों साल पहले समुद्र था। इस समुद्र को सियोन ऑफ थीटिस कहते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये जगह तब समुद्र का धरातल रही होगी। स्थानीय लोग मानते हैं कि जोन ऑन ऑफ साइलेंस में किसी पारलौकिक ताकत या एलियंस का बसेरा है। उनके मुताबिक यहाँ के आसमान में अक्सर अजीब सी चमक दिखाई देती है। वहीं यहाँ के रेगिस्तानी इलाकों में चुनिंदा वनस्पतियां हैं जो लगातार आग से झुलसती रहती हैं। शोधकर्ता इसकी वजह भी जानने में लगातार लगे हुए हैं। मैक्सिको लेस ट्रैवल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक टीवी क्रू यहाँ आकर घबरा गया था। तब अजीब से दिखने वाले लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। उनके चेहरे ढंके हुए थे और वे लंबे रेन कोट जैसी पोशाक पहने थे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।